वेल आज हुई है राजी फिल्म रिलीज। बता दें कि राजी में आलिया भट्ट लीड रोल में है, तो वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने। इस फिल्म को लेकर जनता जनार्दन क्या कहती है, आइए ले चलते हैं आपको। इट इज वेरी नाइस पिक्चर, यानी देशभक्त का है और द स्टोरी इज वेरी वेल मेड और लास्ट में थोड़ा सीक्रेट टाइप रहता है और ओपनिंग रहता है, बट वेरी नाइस, वेरी गुड। आलिया भट्ट इज गुड, वेरी नाइस, अच्छा काम। एटलीस्ट आउट ऑफ 5-3 तो मिलता ही है। थैंक यू, गुड वन, गुड स्टोरी। एक्टिंग एक्चुअली इट वॉज बेस्ड ओनली इसका अपना कौन सा नेम, आलिया भट्ट ओनली, शी इज द ओनली वन। स्टोरी इज वेरी गुड, वेरी गुड। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव सीन अ गुड स्टोरी, दैट्स गुड। फोर फोर फिल्म वॉज नाइस। मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी। काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने एक सेंसिबल सिनेमा देखा है, क्योंकि हर जगह क्या होता है, हर फिल्म में आप देखते हो गाना भर दिया जाता है, स्टोरी नहीं होती। इस फिल्म में बहुत अच्छे से स्टोरी दिखाई गई है। मैं कहीं भी मुझे नहीं लगा कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। अगर इस मूवी में बात की जाए एक्टिंग की, तो एक्टिंग आपको कैसी लगी? आलिया भट्ट बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और आज की डेट में उससे अच्छी कोई आर्टिस्ट है भी नहीं। बहुत अच्छा काम किया। एक्चुअली उसका ज़्यादा पोर्शन था नहीं, क्योंकि जो दिखाया गया वो मुल्क के बारे में दिखाया गया, खासकर उसके फादर के साथ जो केमिस्ट्री दिखाई गई, उसके हस्बैंड के साथ जो केमिस्ट्री दिखाई गई वो काफ़ी अच्छी तक थी। वंडरफुल वंडरफुल, आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो। बेस्ट पार्ट है कि आपको स्टोरी ने बांध के रखा हुआ है, एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगता है यार कि यहाँ पे मिस हो रहा है कुछ भी, हर सेकंड बहुत मज़ा आ रहा है। वाकई फिल्म बहुत अच्छी है। आप इसे कितने स्टार? 3 स्टार। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी की बात करें तो बहुत अच्छी लगी। स्टोरी वाइज भी मूवी कैसी लगी? स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल चेंज स्टोरी थी। हमको मालूम नहीं था कि ऐसे दीज आर द अनसंग हीरोज़ हमारे देश के आज़ादी के लिए, कितनी सेक्रीफाइस हुई है, ऐसे हमको आज़ादी नहीं मिली है। द डायरेक्शन, द म्यूज़िक, आलिया भट्ट, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अब इसे कितना स्टार देना चाहिए? 4.5। कमा लेगी फटाफट, बहुत कमा लेगी पैसा। ओके। मूवी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मेच्योर डायरेक्शन किया हुआ है और स्क्रिप्ट भी काफ़ी टाइट है। एक्टिंग में तो आलिया भट्ट क्या हुआ, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे। यस। और ये प्रोजेक्ट्स में आलिया भट्ट का क्या मतलब? सी, आलिया भट्ट एज ए एक्ट्रेस हैज ग्रोन वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ द स्क्रिप्ट सिलेक्शन। जैसे हाईवे उनकी जो मूवी है और ये जो है राजी, वेरी गुड मूवी स्क्रिप्ट सिलेक्शन एंड द एक्टिंग, शी इज डन वेरी कन्विंसिंग एक्टिंग। डेफिनेटली 4 स्टार दूंगा 5 में से। मूवी अच्छी लगी सर, बहुत बढ़िया। डायरेक्शन, एक्शन, स्क्रिप्ट वाइज मूवी कैसी? डायरेक्शन, एक्शन, स्क्रिप्ट वाइज सब बहुत बढ़िया, क्योंकि मेघना जी इज़ वन ऑफ द सॉर्टेड डायरेक्टर और स्टोरी वेल सेट आई शुड से। ये लाइन बहुत एप्ट है क्योंकि पूरी कहानी बहुत सटल तरीके से और सुलझे तरीके से बताई है और एक मामूली लड़की की जर्नी को इतने अच्छे से पिक्चराइज किया है। इट्स अ काइंड ऑफ बायोपिक, एक सच्ची कहानी के ऊपर आधारित है और एक मामूली लड़की की जर्नी इतनी अच्छी दिखाई है और कंट्री के लिए आई मीन आई शुड से इट्स वन ऑफ द बेस्ट पेट्रियाटिक मूवी ऑल्सो। देशभक्ति की फिल्म भी है ये, अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए इतना कुछ किया है उसने। शी सेक्रीफाइज अ लॉट। आलिया की एक्टिंग बेहद अच्छी लगी। जैसा मैंने कहा कि उड़ता पंजाब, हाईवे में जिस तरह की एक्टिंग उन्होंने करी है, सटल एक्टिंग और बेहतरीन अभिनय का जो नमूना दिया है वो इस फिल्म में देखा गया। तो आप इस मूवी को 5 out of 5 stars देंगे और डेफिनेटली मूवी पूरे कंट्री के लिए देखने के लिए चीज़ है। वी शुड से स्टोरी काफ़ी सीरियस और मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वेरी गुड मूवी। एक्शन तो क्या, इसमें आलिया भट्ट का रोल है और बहुत अच्छा रोल किया है। डायरेक्शन मेघना गुलजार का बहुत ही ऊंचा क्लास का है। इस मूवी में अगर बात करें
हाँ स्टोरीज तो क्या बताऊँ, लेकिन वो 71 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में 64 में वो हार गए थे, उसके बाद वो छुपा प्लान बनाते थे हिंदुस्तान पर, तो वो हम लोग को गंध आ गई थी, तो हम लोग ने स्पाई भेजे थे, वो स्टोरी है बेसिकली। और आलिया भट्ट ने वो स्पाई का रोल किया है और बहुत अच्छी तरह निभाया। और इस मूवी में को-एक्टर्स भी हैं। हाँ, किसकी एक्टिंग आपको मतलब को-एक्टर्स में कौन-कौन से एक्टर्स हैं? कोई सोनी राजदान है, दूसरे दो तीन हैं, वो अच्छा है, हीरो भी अच्छा है, हीरो ने भी अच्छा। इस मूवी में आपको कौन से गाने जो गाना एक ही है इसमें, एक ही गाना बैकग्राउंड में, बहुत अच्छा गाना है। और इस मूवी में एक्टिंग वाइज एक्टिंग वाइज में आलिया नंबर वन, आलिया नंबर, आलिया को 5 में 5 एक्टिंग में मिलना चाहिए, इतनी अच्छी एक्टिंग की उसे। डायरेक्शन तो मेघना गुलजार का बहुत ही उम्दा है इसमें, और उसने जो डिटेल बताई है वो बहुत ही अच्छी तरह बताई है, बारीकी से बताई है। इसमें 5 में 5 बनता है, बहुत ही अच्छे। Subscribe and press the bell icon for latest update.